नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्पूर की। दरअसल कर्पूर या कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते समय जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कर्पूर के कई औषधि के रूप में भी कई फायदे हैं। हम आपको बताएंगे कि कर्पूर या कपूर से आप कैसे संकट मुक्ति होकर मालामाल बन सकते हैं और कैसे आप अपने ग्रह और घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं। पहला उपाय, पुण्य प्राप्ति हेतु। कर्पूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कर्पूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अंततः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। दूसरा उपाय, पितृदोष और काल सर्पदोष से मुक्ति हेतु। कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का समन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्पदोष है। दरअसल ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा ना कर सकते हो तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कर्पूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कर्पूर की 2-2 टिकिया रख दे। बस इतना उपाय ही काफी है। तीसरा उपाय, दुर्घटना से बचाव। दुर्घटना के कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कर्पूर जलता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पूर्व कर्पूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। चौथा उपाय, सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कर्पूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, दुःस्वप्न नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहेगी। वैज्ञानिक शोधों से ये भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। पांचवा उपाय, अचानक धन प्राप्ति का उपाय। गुलाब के फूल में कर्पूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। छठा उपाय, वास्तु दोष मिटाने के लिए। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दे। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। सातवां उपाय, भाग्य चमकाने के लिए। पानी में कर्पूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। ये आपको तरोताजा तो रखेगा ही, साथ ही आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल देंगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे सिर्फ शनिवार को ही करें। आठवां उपाय, पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने हेतु। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कर्पूर की 2 टिकिया रख दे। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं ऊंचे स्थान पर फेंक दें तथा कर्पूर की टिकिया को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकिया शयन कक्ष के किसी कोने में रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी रख दें। नौवां उपाय, धनवान बनने के लिए। रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान से आपका घर भरा रहेगा, धन की कभी भी कमी नहीं होगी।
दूसरा उपाय विवाह हेतु। विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा को आहुति दे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।